चिकना बंदोबस्त है ना, मस्त माल है साहब, एकदम गुलाब जामुन की तरह। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। सुनो मेरी बात, मेरे दो छोटे भाई हैं,
मेरी दो आंखें, एक को मैं गवा चुका हूँ, बस एक ये बचा है, ये मेरी जान है। आपके भाई के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। इस सिटी में अपना अपोजिट वाला कोई नहीं है, आप दुबई जा सकते हैं, मैं हूं ना। हेलो, हाँ मैं चिक्की, एक मिनट भाई को फोन देता हूँ। भाई दुबई से फोन आपका। हाँ, आज रात की 11 बजे की फ्लाइट से मैं आ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग अपना आदमी है। स्टेन गन्स, रिवॉल्वर्स, लेटेस्ट गन, प्लान पूरा अपने मुताबिक है, फोन में ऐसी बात नहीं करना, सब दुबई में। चेक पोस्ट पर ड्यूटी तेरी है? नहीं सर, मेरा है। मेरी कार को मेरी सिटी में भेज देना, फिर मेरे आदमी देख लेंगे। ओके सर। सर एक काम कीजिए, आप अपने भाई को लेकर दुबई चले जाइए। मेरे भाई को कोई मारेगा? मैं अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर चुका हूँ, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मेरे भाई को ले जाने की बात करता है तू, मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ दे, छोड़। पंडा कूल डाउन, कूल डाउन। ऐसे ऐसे कितनों को मारेगा? रोज रोज मैनेज करना मुश्किल है यार, दिमाग ठंडा रख के चल। इसमें तेरा पासपोर्ट और टिकट है, बट तेरा नाम पांडा नहीं, नसरुद्दीन शाह। एयरपोर्ट में तेरा होशियार रहना, टेक केयर। शुक्रिया। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हेलो, कहाँ से आए हो? सर R&D डिपार्टमेंट सर। ओ डिपार्टमेंट, ओके, मूव मूव मूव, कम ऑन कम ऑन। हाँ सर, आपका लाइसेंस दिखाओ। देता हूँ, ये देखिए, सब कुछ परफेक्ट है साहब, अच्छी तरह देख लीजिए, जल्दी देखिए। ये क्या, आपने लाइट क्यों तोड़ी? तुम परफेक्ट हो, पर मैं परफेक्ट नहीं हूँ ना। ए पंडे, इस वक्त कहाँ जा रहा है? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो सीरियस है, इसलिए हम सब लोग उसे देखने जा रहे हैं। सब लोग अंदर, कौन है? मेरी बेटी है सर। क्या, यह तुम्हारी बेटी है? पंडित लोग तो सच बोलते हैं, लेकिन तू तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। अरे इंस्पेक्टर, कैसी बात कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी बेटियाँ हैं। अच्छा, सगी बेटी है? अच्छा, एक बार उतरने को बोलो देखूँ मैं। उतरो उतरो, आओ, कम ऑन कम ऑन, इधर आ जाओ बेटी। पंडित जी, तुम तो थोड़े ठीक ठाक हो, पर यह दोनों गुलाब जामुन की तरह। क्या है ना पंडित, तुम्हारी बेटियां हैं बोलकर मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा। शिवा, कैसी बातें कर रहे हो, एक पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी बातें कर रहे हो? ए पंडित, बहुत ज्यादा बात कर रहा है, मेरे से पंगा मत ले तू। अच्छा, तू मुझे सच सच बता, तू कौन से सेठ के पास इन दोनों को बेचने के लिए लेकर जा रहा है? जो मुंह मारा बकी जा रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो सीरियस है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं कर रहे हैं। ए पंडित, यहाँ पर जो है ना, आजकल शहर के अंदर कॉल गर्ल्स की बहुत एंट्री हो रही है, और यहाँ पर इंसानों का ही नहीं, बॉडी को भी चेक किया जा रहा है। बॉडी चेक करेगा? इतना ही बॉडी चेक करने का शौक है तो लेडीज पुलिस को बुला कर लेके आओ। जाओ, कैसा पुलिस वाला है तो? अभी छोड़ दो मेरी बेटी, बताओ तेरे को, छोड़ दो मेरी बेटी। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। देखिए यहाँ पुलिस चौक पर हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जल्दी से आइए यहाँ पर। ऐसी बात है क्या? पुलिस स्टेशन कंप्लेन करना होगा। आते आते लेग पीस चिकन और सोडा लेकर आना, सोडा खत्म हो गया है। क्या बोला, सोडा लेकर आओ? आप क्या बात कर रहे हैं, आपको पता है? ए भगवान, ची 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 ची, ए भगवान, पुलिस वाले होगी क्या? हो पुलिस वाले मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, प्लीज जाकर बचाइए ना। चल आ पंडित। पिताजी,
पेशेंट की कंडीशन कैसी? बहुत सीरियस है। ओह माय गॉड, देखने में बहुत भयंकर लग रहा है। डॉक्टर मधु को बुलाओ। इन दिस लेटेस्ट मेथड हम लोग सारे पार्ट्स को मिलाकर एक कर सकते हैं। देन मैडम, डॉक्टर शर्मा ने आपको बुलाया है। मिस मधुमती, ये केस जरा क्रिटिकल है। टेक केयर। ओके। ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ओके डॉक्टर। ग्रुप चेक कीजिए। ठीक है। और केस रिपोर्ट लेकर आइए जल्दी। ठीक है। कमिश्नर साहब, चलो ऑटो साहब, सुनिए। कमिश्नर साहब, कौन सा जाने दो, चलो ऑटो। कंडीशन कैसी है? हालत बहुत खराब है सर। कोई सबूत मिला? नहीं सर, कोई सबूत नहीं मिला। पर अगर ये इंस्पेक्टर बचा तो हमें जरूर कुछ क्लू मिलेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ये बचेगा। हमें उसी के ऊपर भरोसा करके नहीं रहना है। तुमने देखा ना मीडिया वाले कैसे पीछे पड़े हैं? सर वही दिन 24 आवर्स सारी हकीकत आपके सामने होगी। मुझे पल पल की खबर अच्छी तरह मिलनी चाहिए। ओके सर। सर यहाँ तक ये दुर्घटना कैसे हुई अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। इसके लिए उस इंस्पेक्टर का बचना जरूरी है, तभी हम कुछ बता सकते हैं। आतंकवादियों का हाथ नहीं।
इसके पीछे पुलिस का तो हाथ नहीं? क्या आप लोग ये अंदाजा लगाएंगे? नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। नो नो सर, सर एक सवाल, बात सुनिए सर। कंडीशन इज बेटर नाउ, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। मैडम इसकी कंडीशन अभी कैसी है? पहले से बेहतर है। क्या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? कितने लोग थे बताइए? मानव बम था या रिमोट बम था? आखिर बम कहाँ रखा? ठहरो यार ठहरो, अरे ठहरो यार ठहरो, ठहरो बोला ना। आप लोगों को अकल नहीं है? बम ऊपर रखा था कि नीचे रखा था? अरे पेशेंट की सीरियस हालत देख नहीं रहे हो? क्या पूछे जा रहे हो? आप लोग सोचते भी नहीं, थोड़ा दिमाग है कि नहीं आपके पास? आप कुछ बोलिए। पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, आप लोग जरा धीरे से बात कीजिए। बताइए कितने लोग? प्लीज कम आउट, बोलिए बोलिए ना। मैडम क्या हुआ? सॉरी इट्स नॉर्मल जी, कितना बेरहम है। इतने लोगों को मारने वाले को तो शूट कर देना चाहिए, जान से मार डालना चाहिए। अरे मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ कि तुम एक्स्ट्रा कर रही हो? तुमने कहा कि उस इंस्पेक्टर को मारने वालों को शूट कर देना चाहिए। सामने खड़ा हूँ तुम्हारे, मारो शूट करो। अगर तुम चाहती तो उस इंस्पेक्टर को बचा सकती थी। हाँ मैं अगर चाहती तो हॉस्पिटल में उस इंस्पेक्टर को जरूर बचा सकती थी, लेकिन अगर वो बच जाता तो हमारा जो मकसद है वो कभी पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने उसे मार डाला। दिलाना था ना। सुनो, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि ये इंजेक्शन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, आधा घंटे या एक घंटा संभाल सकते हो, लेकिन बाद में बॉडी नर्व्स वीक होने लगती है, तुम्हारी शरीर जहरीली हो जाती है, जिससे तुम्हारी जान को खतरा है। जितना इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए मकसद है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये इंजेक्शन है। No! जो मैंने सोच लिया है, जब तक वो नहीं होगा मैं मरूंगा नहीं, सिर्फ मारूंगा। चुप कीजिए। देखिए चेकपोस्ट पर हुए हादसे को लेकर प्रेस और मीडिया किस तरह हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आपको पता है? एक भी सबूत आप लोगों ने इकट्ठा किया? 24 आवर्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा सर।
क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, चित्रांगनी चाहिए। चित्रांगनी चित्रांगनी बाप रे क्या हो गया? अरे मेरे ढाबे के अंदर आज कोई कुछ खा क्यों नहीं रहा है? आप बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हमें बस चित्रांगनी चाहिए। बोर्ड लगाए चित्रांगनी कहाँ है? लेकिन बताओ केस कहां तक पहुंचा? सर मुझे और 24 घंटे का समय दीजिए। सर शट अप, अगर मैं तुम्हें 24 साल का टाइम दूं तो भी तुम केस सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये केस स्पेशल ऑफिसर को दे रहा हूं। स्पेशल ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं है सर, ये केस मैं सॉल्व करूंगा। नो, द केस हैज ऑलरेडी बीन हैंडेड ओवर टू स्पेशल ऑफिसर। ऑफिसर्स, ही इज मिस्टर नानक राम, स्पेशल ऑफिसर फ्रॉम दिल्ली। चेक पोस्ट पे हुए बम ब्लास्ट के हादसे के छानबीन के लिए सरकार ने इन्हें स्पेशल तौर पर अपॉइंट किया है। लोकल ऑफिसर के होते हैं स्पेशल ऑफिसर क्यों सर? सॉल्व करने के लिए। अब तक जो केस सॉल्व हुए क्या अभी ने किए? शट अप। 1998 में जो हादसे में पुलिस वाले मरे उसे तुम लोग 2005 तक सॉल्व नहीं कर सके। यू हैव नो राइट टू टॉक। तुम लोगों की हैसियत है मुझे बात करने की? सर यह लोग मुझसे इतने सवाल कर रहे हैं, मैं क्या इनसे 3 सवाल पूछ सकता हूँ? ओके, थैंक यू सर। पहला सवाल, ऑन ड्यूटी पर कितने पुलिस ऑफिसर मरे थे? 14 सर। पर रजिस्टर में तो 6 लोगों की पुष्टि की गई है, बाकी लोग कहाँ से आए वहाँ पर? दूसरा सवाल, और जो लोग उस दिन मरे थे उसमें एक लेडी कांस्टेबल भी थी, पर रजिस्टर में उसके साइन नहीं है। रात के वक्त वो वहाँ पर क्या कर रही थी? क्या आप लोगों की पर्सनल थी वो? सर आप बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं सर। ओ, तो तेरी पर्सनल है वो। फाइनल क्वेश्चन, बम ब्लास्ट कहाँ पर हुआ था? चेक पोस्ट के इस तरफ या उस तरफ? चेक पोस्ट पार करने के बाद। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसमें बम पिस्तौल सब कुछ थी, तो क्या पुलिस ने जानबूझकर जाने दिया? ये क्या, आप तो जिसने मारा उसकी इंक्वायरी छोड़कर हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं सर। ज्यादा मत बोल। उस रात 11 बजे तुझे कोई पुलिस स्टेशन में फोन किया, तू शराब पिए हुए था, और तू मुझे सिखा रहा है उस रात जो जो गाड़ी उधर से गया मुझे उसके सारे नंबर चाहिए। Within 1 hour it will be in your hands sir. Take 24 hours. सर उस रात इंस्पेक्टर का जिस लेडी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया था मुझे उससे मिलना है। कैरी ऑन। थैंक यू। डॉक्टर मधुमती? यस। घर बहुत अच्छा है, अपना घर है, फैंटास्टिक। आखिर आप हैं कौन? घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आप अकेली रहती हैं क्या? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। लगता है अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। प्लीज आप बताएंगे कि आप कौन हैं? और कुछ पूछना है? चेक पोस्ट के बारे में डिटेल्स मालूम करने आया। आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर ने मरने से पहले आपको कुछ बताया क्या? मैं सब कुछ मीडिया के सामने बोल चुकी हूँ। वो ट्रीटमेंट के समय आपको कुछ बताया ऐसा मुझे पता चला? उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपको बताया। मैंने कहा ना कुछ नहीं बताया था। नहीं, 100% कह रहा हूँ कि उसने बताया। नहीं बताया। बताया था। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। ओके ओके, कूल कूल, रिलैक्स। This is my personal room. आप जिसका भी ट्रीटमेंट करती हैं वो इंसान कभी नहीं मरता। फिर यह इंस्पेक्टर कैसे मर गया? मतलब मैंने उसे जानबूझ के मारा है क्या? यह बात तो आपको ही पता है। देखिए यह केस मैंने टेक ओवर किया है, अब आपकी जब भी जरूरत पड़ेगी आपको आना पड़ेगा। हेलो
मालिक, क्या बाल हैं आपके? अपने बालों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? विग। सेठ जी, आपके होंठ बिल्कुल लाल लाल है, क्या इस्तेमाल करते हैं? सेठ जी, वो आइटम कहाँ है? अरे मुझे क्या मालूम, क्या वो मेरी होने वाली पत्नी है? मेरे लिए तो सब कुछ है। अरे क्यों रे टकले, सर पे शैम्पू लगाएगा क्या? अरे जाके देख रे, देख क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या कमाल की चीज है रे तू? अभी मैं तुम लोगों को फिर से इस एरिया में दिखे ना तो काट के फेंक दूंगी। सर, मेरा नाम विघ्नेश्वर शास्त्री है, मुझे यहाँ पर पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया गया सर? सर, कुछ दिन पहले हुए बम ब्लास्ट के चश्मदीद गवाह आप ही हो। उधर क्या हुआ सारी बातें बता दो। नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मैं नहीं बताऊंगा सर। ओए क्यों नहीं बताएगा, तेरे से पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बताएगा? और आप बताओ। नहीं बताऊंगा सर। और क्यों बताऊं सर, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसे देखने के लिए अपनी दोनों बेटियों के साथ शहर जा रहा था, चेक पोस्ट पर पुलिस वालों ने मेरे साथ कैसी बदतमीजी की पता है? मैंने जब पुलिस स्टेशन पर फोन किया तो यही इंस्पेक्टर कहता है सोडा खत्म हो गया, आते आते सोडा लेकर आना। यही इंस्पेक्टर, यही आपकी पुलिस है सर, यही आपकी पुलिस। मैं आपको क्यों बयान दूं सर? ए मणिपाल, तुझे सस्पेंड करने के लिए इसके एक शब्द काफी है। सर, आप बहुत गुस्से में हैं, मैं आपको वापस बुलाकर बयान ले लूंगा जब आप शांत रहेंगे, जाइए प्लीज। एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, मैं अपने शिव भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी जबान कभी नहीं खोलूंगा, अगर खोल भी दिया तो भी आप लोग नहीं पकड़ पाओगे उसे। डॉक्टर, मैं अभी जो केस लिया हूँ उसका मुख्य गवाह यही है, मरने को तैयार है पर जुबान नहीं खुलता। मैंने अपनी सर्विस पीरियड में कई ऐसे जिद्दी केसेस देखे हैं, हिप्नोटाइज करके हकीकत सामने लेकर आऊंगा। इससे सच उगलवाने के लिए आपको कितना समय चाहिए? सर, आज रात का टाइम दीजिए, कल सुबह तक इससे सच उगलवा लूंगा। ठीक है, कल मैं 10 बजे आपसे आकर मिलूंगा। कल 10 बजे डॉक्टर, पंडित से सारी हकीकत जानकर ही रहेगा। नो! कल 10 बजे तक डॉक्टर जिंदा रहा तो बुलवाएगा ना। कैसे मारोगे उसे? तुम तो इंजेक्शन से ऐसे डर रहे हो जैसे किसने चाकू मार दिया। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बाहर बैठो, बाहर बैठो, अंदर पेशेंट है, बाहर बैठो। हाँ, आते सीधा घुस जाते अंदर, बैठो। Oh!
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अंदर पेशेंट है सर, आप थोड़ा बाहर बैठिए। ये टैबलेट्स बराबर लेकर अगले हफ्ते मिलना। अरे क्या बहुत खून निकल रहा है, कंपाउंडर एक काम करो, सबसे पहले इनको लेकर जाओ। कमांड कमांड जा रहा, जाइए मिल गया, जाइए। ये क्या है, हाथ में पट्टी क्यों बांध रहे हो? तो फिर हम किस लिए हैं? मरने के लिए। हाँ? यस सर, यस सर, आई एम इन द सेम केस सर, आई एम ऑन द ड्यूटी सर, नो सर नथिंग। Not yet. Yeah, yeah. चलता हूँ बेटा। Okay. शुक्रिया। Yes sir. Definitely. अरे सुनो। Yes sir. I take the sir. भूल के क्यों जा रहे हो? लेके जाइए। Thanks. Okay. Bye sir. Okay sir. Okay sir. See you sir. Thank you.
ये हर दूसरे दिन आकर इसी तरह से लफड़ा करते हैं सर, मेरा तो धंधा चौपट हो गया। थैंक यू सर, आपने ऐन वक्त पर आकर इसे बचा लिया, नहीं तो ये लोग जान से मार देते। शुक्रिया सर। जाओ यहाँ से, अगर दूसरी बार दिखे तो गोली मार दूंगा। भागो यहाँ से, भागो। आओ। चलो अंदर। हेलो, इंस्पेक्टर मणिपाल बोल रहे हैं? हाँ। मैं टीवी का रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। ओ, रिपोर्टर बोल रहे हैं? मेरा इंटरव्यू चाहिए क्या? उस दिन हॉस्पिटल में एसआई साहब मरे नहीं थे, उन्हें मारा गया था। और कौन मारा मुझे पता है, उसके सबूत मेरे पास है। अगर आप ये सब मुझसे जानना चाहते हैं तो। ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती बाबू, आज रात को मेरे घर पे आ जाओ, वही बात करते हैं। सही टाइम पे सही सबूत दिए। कितना चाहिए? 1,00,000 रुपए। बहुत ज्यादा है, कुछ कम बोलो। इसकी कीमत मुझे अच्छी तरह पता है, और ये कैसेट अगर बाहर आ गई तो क्या होगा तुम जानते हो। 10 कम कर देता हूँ। पैसे तेरे को मैं यही डाल दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। बैठना, मैं बात करूँ। बैठ बैठ, रेडियो वाले को मारने की बात करता है। अरे तू बैठ ना यार, मैं देखता हूँ। बैठ बैठ। इतने घबराए हुए क्यों? क्यों घबराए हुए? रिश्वत चाहिए? अच्छा ये बात है। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिलता चलूं। क्यों मैं नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता सर? यही बैठिए प्लीज। अच्छा ये बात है। कभी कभी सर। खाली विस्की या अंदर और कुछ है? सुना है कमिश्नर से तूने कहा है कि कुछ सबूत मिला है, कहाँ तक बात पहुँची? सर उसी काम में लगा हूँ। लगे रहो, कंफर्म करके मुझे बता देना। हाँ मणिपाल, कुछ खबर मिले तो बता देना। ओके ओके, बाय। गुड नाइट। भाई मेरे आदमी को किसने मारा? किसने मारा मेरे आदमी को? चाबी का। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, चुपचाप यहाँ से चला जा। ए! Come on, shoot!
Come on! Hey! Come on! Hey! Bye. You! अनोखा और स्पेशल प्रोग्राम है। बकरा कौन प्रोग्राम में हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि मुसीबत के वक्त पर एक आम इंसान किस तरह से हिम्मत से काम ले सकता है। आज जब ये आदमी बम लगा है कैसे चिल्ला रहा था, तो किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आकर उसे बचाए। लेकिन इस ढाबे वाले आदमी ने अपनी जान बचाकर इसे बचाया। इसीलिए हमारी टीवी की तरफ से इन्हें एक तोहफा दिया जाता है। Yes, I got it. कहाँ पर है वो? पास ही में रहता है सर, लेकिन वो शांति अपार्टमेंट में रहता है। स्पेशल ऑफिसर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम नो, मैं चाहता तो स्पेशल ऑफिसर को वहीं पे मार सकता था। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा ना हो जाए मुझे कोई नहीं मार सकता।
मैं जो सोच के रखा हूँ हासिल करके रहूंगा, हासिल करके रहूंगा। जर्मन, अब तो पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता, सुन रहा है ना? हे भगवान, तुम्हें अभी भी होश आ रहा है? जल्दी उठो, वो लोग आ गए हैं, जल्दी करो। बाहर निकल, बाहर निकल, निकल बाहर, निकल। Oh!
कौन है वो? उसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? बोलो, वो डेंजर मैन कहाँ रहता है? देखो, तुम सिर्फ एक लड़की ही नहीं, डॉक्टर भी हो। तुम एक जिम्मेदार डॉक्टर हो, और एक कातिल आतंकवादी के साथ इस तरह हाथ मिलाना गलत नहीं है। नो, उसने जिसको भी मारा है उसमें से एक को भी बेगुनाह प्रूव कर दीजिए, मैं हमेशा के लिए डॉक्टरी छोड़ दूंगी। इसका मतलब यह है कि तुम उसको जानती हो कि वो कौन है, उसने कितने को मारा है, इसके पीछे क्या नेटवर्क है, जो तुम्हें पता है। बताओ ये सब क्यों कर रहा है? तुम एक जिम्मेदार डॉक्टर हो, तुम्हें लोगों की जान बचानी चाहिए। तुम जान निकाल रही हो? आप जैसा सोच रहे हैं वो एंटी सोशल नहीं है। फिर कौन है? तुम बताओगी तो मुझे पता चलेगा ना। अगर उसके बारे में कुछ जानना है तो मेरे सामने मीडिया होना चाहिए। वो कौन है और आखिर ये सब क्यों कर रहा है, ये मैं मीडिया के सामने बोलूंगी। तुमने कहा था मीडिया सामने होगी तो अपनी जुबान खोलोगी। बोलो, आखिर में है कौन, बताइए। आपका उनके साथ क्या संबंध है? आपने किसके इशारे पे ये सारी हरकतें की? आपने ये नहीं सोचा कि आप डॉक्टर जैसे एक जिम्मेदार पेशे से जुड़ी हैं? वो नक्सलवादी है, टेररिस्ट कौन है बताइए। एक नहीं है? हाँ, दो दो है। एक डॉक्टर होकर आपने एक कातिल का साथ दिया? वो कोई एक नहीं है, दो है, दो। राम लक्ष्मण वही है, लॉ एंड ऑर्डर। सिर्फ खाकी वर्दी पहनने से कोई पुलिस वाला नहीं बनता। गुंडे बदमाश को मारकर लॉ एंड ऑर्डर कायम करने वाला पुलिस ही असली पुलिस होता है। सुनो राम लक्ष्मण, एक हवलदार के हैसियत से सारी जिंदगी ऑफिसरों के जूते उठाने में चली गई। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे दोनों बेटे इंस्पेक्टर बन गए। शाबाश, वेरी गुड। Come on. कितने दिन के बाद मिली है? अब देख, उसे जाकर उसी से आई लव यू कहलाता हूँ, चल। दीदी हाँ, मैं बहुत दिन से बोल रही थी ना कि एक लड़की। ये क्या, मेरी बहन जहाँ भी मिलती है उसे तुम सताते रहते हो? हेमा आई लव यू बोलकर मैं इसके पीछे पड़ा हूँ और ये जा कहते हो मुझे? सब छोड़ के 3 मिनट का टाइम देता हूँ, आई लव यू बोलती है या मैं क्या हूँ बताओ। ए, मैं तुम लोगों को 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट के अंदर तुम लोग सारे ग्राउंड का राउंड मारोगे। पुलिस ट्रेनिंग में सबसे पहले यही किया जाएगा। चलो स्टार्ट। 1 मिनट ओवर, 1 राउंड ओवर, जल्दी करो, 2 राउंड बाकी है। ए, मेरे हाइट नहीं है, बॉडी नहीं है और पर्सनैलिटी भी नहीं है, ब्रेन नहीं है। अच्छा, 3 मिनट खत्म होने जा रहे हैं, 3 अक्षर बोल डाल, आई लव यू बोल वरना। आई लव यू। देखा भाई, उसकी बहन की गर्दन पे चाकू रखा है ना, इसलिए शब्द दिल से नहीं होठों से निकल रहे। हाँ सुना ना हेमा, उसने क्या बोला? मुझे जबान से आई लव यू नहीं सुनना है, मुझे दिल से आई लव यू सुनना है। लगता है ये जब तक तेरी दीदी के सीने पे नहीं उतरेगा तब तक ये बात तेरे सीने से नहीं निकलेगी। Right!
अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देख लूंगा। अरे इसे जाने क्यों दिया? तुम्हें क्या बेटी, कल ये पुलिस ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। ये दोनों इंस्पेक्टर बने ये मेरा सपना है। कोई प्रॉब्लम आई है मैं नहीं चाहता। ये बात है, ऑल द बेस्ट। आप जैसे लोगों की पुलिस डिपार्टमेंट को जरूरत है। थैंक यू। अरे नाक कटवा दिया, दो लोगों से इतने सारे लोग पीट कर आ गए, पांडा का अपमान करा डाला। अगर हम लोग जाते तो न तू बोलता बहुत ज्यादा और दिमाग से सोचता बहुत कम है। शट अप। कौन थे रे वो लोग? पता नहीं भैया। पता नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? कहीं छोड़ूंगा उसको। चल गाड़ी निकाल। तीसरा क्लास में फर्स्ट है इसलिए हम उसका अभिनंदन करते हैं। ए, हम लोग भी अभिनंदन करते हैं। ए, चल चल तुम लोग। प्रेम क्या तुमको अपना माना है? तुम नहीं सुनी, मैटर भाई तक चला गया। ए, सुन, देख मैं तुझे दो चांस दे रहा हूँ। एक, चुपचाप मेरे भाई से मंगलसूत्र बनवा ले। दूसरा, गला कटवा ले। अपनी आंखें बंद करके जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा और अपने भाई की फीलिंग देखकर डिसाइड करूंगा। ओके? क्यों रे? तुम जैसे बाजारे गुंडों से मैं प्यार करूंगी? रे, मार दे! पंडा! I am sorry. भैया गाड़ी रोको, गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। भैया उस दिन यही दोनों ने हमें मारा था, वो खड़ा है। गाड़ी भी चले। नहीं भाई, भैया उनको छोड़ना मत। मैंने अपनी बहन के भविष्य के लिए कितने सारे सपने देखे थे। उन राक्षस लोगों ने 20 सड़क में सबके सामने उसे मार डाला। अन्याय किया, अन्याय किया उन लोगों ने। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। भाई, दो दिन पहले वो लड़की मारे थे ना, उसकी दीदी फाइल तैयार करके बड़े ऑफिसर से मिलने की प्लानिंग कर रही है। चल। छोड़ो मुझे। भैया ये वही लड़की है जो हमारे पर केस फाइल किया है। क्या रे, दिमाग खराब हो गया तेरा? हमारे खिलाफ सबूत क्या कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? जा, चल सबूत लेकर जा। तुझे जो करना है कर लेना, मैं कोर्ट में किस करके रहूंगी। अंडा को सिर्फ दो ही चीजें पता है, एक मर्डर करना, दूसरा करना। मर्डर तेरी बहन का ऑलरेडी कर चुका हूँ, बाकी है। समझ में आया तेरे को? पंडा, that is पंडा। ए, लड़की के साथ जबरदस्ती करने वाला मर्द नहीं होता, नामर्द होता है। देख लेना तू, मैं तुझे सजा दिलवा कर ही रहूंगी। ए, तू जैसी घमंडी लड़कियों का करने में पंडा को बहुत। बाप रे, ये लोग जीने नहीं देंगे, फाइल इनको देना ही पड़ेगा।
प्लीज। अरे ये हॉस्पिटल की इज्जत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तुमको ये फाइल चाहिए ना, ये लो फाइल दिया। अच्छा फाइल मिल गया ना, जाओ यहाँ से। जरा इसको समझाओ कि पंडा क्या चीज है, कल दो इसको। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। पंडा भाई, वो दोनों शहर में आ गए हैं भाई। अरे यहाँ तो सब मकड़ी के चाल बंधे हुए। माँ, नाना, नाना, माँ, नाना, कहाँ चले गए ये लोग? क्या हुआ? कहाँ है? दोनों भाई पुलिस ऑफिसर बन गए। जब ये बात अपने माँ बाप को बताने के लिए खुशी खुशी वो घर आए तो उनके माँ बाप की मौत की खबर उन्हें मिली। दोनों का बाप ये नहीं चाहता था कि उसकी तरह उनके दोनों बेटे जिंदगी भर हवलदार बने रहें और उनके बेटे एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बने और ट्रेनिंग में फर्स्ट आए, यही उनका सपना था। लेकिन उनका इंतजाम ना किया जाए तो उन्होंने पैसों का इंतजाम करने के लिए बहुत ठोकरें खाई, हर जगह से उन्हें सिर्फ नाकामयाबी ही मिली। एक दिन उन्होंने कुछ फैसला किया, वो LIC के पेपर्स लेकर अपने वकील के पास पहुंचे। वकील ने उनसे कह दिया कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आप लोग जिंदा हैं। वकील की ये बात सुनकर उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आया। आखिर में उसके माँ बाप ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिससे उनकी जिंदगी तो बन गई। तुम लोग किसी से डरो मत, किसी के आगे सर मत झुकाओ, अपना फर्ज निभाओ। तुम 10 लोगों की मदद करोगे तो तुम्हें 100 रास्ते मिलेंगे। अरे ताजुब हो रहा है। ए, आंखें खोलने से पहले तुम्हें खत्म करने वाला था, पर कौन मारा तुम लोगों को पता चलना चाहिए ना, इसलिए वेट कर रहे हैं। Oh!
साइन करवाना है तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। एक पैसा भी कम रहा तो साइन नहीं करूंगा, समझे? लेकिन सर जो कुछ भी था बेचकर पैसा दे दिया सर। ए, तुम लोग चाहे कुछ भी बेचो उससे मुझे क्या लेना देना है भाई? पूरा पैसा दोगे तभी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा विद सिग्नेचर। ए, तुमसे अच्छा तो कांस्टेबल राम नथानी था जो अपने दोनों बेटों को पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए अपनी जान दे डाली। ऐसे कितने लोगों की जिंदगी के साथ खेलेगा तू? किससे बात करो, तुम्हें पता है? पता है, हमारे माँ बाप के मरने का कारण तू है। लाखों करोड़ों रुपए हम देंगे तुझे, क्या हमारे माँ बाप को वापस कर सकता है तू? चल सब पेपरों पर साइन करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ। ये पेन सर, कर साइन, लोगों की जिंदगी के साथ खेलता है, कर साइन कर। साला इधर कर, साइन कर। पाखंडी, ऐसे पवित्र डिपार्टमेंट में तुम जैसे रिश्वत खोरों का कोई काम नहीं। दोनों भाइयों ने रिश्वतखोर आईजी को मारकर लॉ एंड ऑर्डर कायम कर दिया। छोड़ ना रे हम लोगों को, खाली पकड़ के जो बंद करके रखा है। बड़े भाई ना पांडा भाई के लोग हैं। अरे कौन है? आ गया ना भाई, आप घटिया ये देखना। और बंद रखेगा हमें अफसर। इन लोगों के लिए कोई भी आए बिना हमारे परमिशन के इनको रिहा मत करना। ओके सर। हेलो, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, रॉन्ग नंबर। तुम कौन हो? नमस्ते सर, कांस्टेबल हूँ सर। तेरा वर्दी कहाँ है? वर्दी कहाँ है? सर्विस के टाइम पर अगर वर्दी नहीं पहना तो जान से मार डालूंगा। सॉरी सर। क्यों रे, सोने का बगल, सोने का बगल है। चल सलाम सर, दफा हो जाओ। अरे पुलिस वाले, आ गया भाई का चमचा। ऐ घबराना नहीं। अरे हमारे भाई कानून की इज्जत करते हैं, इसलिए वकील को लेकर आए हैं, नहीं तो ऐसे ही लेकर जाते हैं, पुलिस स्टेशन को ही उड़ा देते हैं, समझा कि नहीं? अरे बेवकूफ है, तू पंडा को नहीं जानता? पंडा का राज चलता है यहाँ, ये सब पंडा के जनार्दन है। उसके ऊपर हाथ डाला, अरे एक मर्डर कर डालूंगा। धो डालेंगे बेटा, धो डालेंगे, काट डालेंगे, काट डालेंगे बेटा, समझा कि नहीं? सर इन लोगों ने कोर्ट में केस सबमिट किया। कौन है तू? हेड कांस्टेबल है ये? अरे मेरे भाइयों को अंदर डाला ना, चार बाहर निकाल। वो मैंने भिजवा दिया। तुमको नहीं मालूम क्या? अरे अपना पंडा पुलिस वालों के साथ क्रिकेट खेलता है, समझ में आया कि नहीं? चार लायरों को लेकर आया हूँ, तुम लोगों की खैर नहीं, समझा क्या? ए वकील लोग, अरे बताओ इसको, हमसे पंगा लिया है, छोड़ो इनको, नहीं तो क्या है? अरेस्ट किए हुए चार मिनट नहीं हुआ और चार वकीलों को लेकर आ गया। जान से मार डालेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। काय का गुड मॉर्निंग? काय का गुड मॉर्निंग? क्या नाटक है तुम लोगों का? पता किसको अंदर डाला तुम लोगों ने? पता नहीं सर। पांडा के आदमियों को, पांडा के आदमियों को अंदर किया है, पूरा शहर जिनका है। सर 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 सर, आप चिंता मत करिए, इन लोगों को पता नहीं था ये लोग आपके आदमी हैं। अरे मैं भिजवाता हूँ सर, घर पे भिजवाता हूँ, आप चिंता न करें। पांडा बोले तो क्या? तुम लोग ही वैसे कितनी बातें सुननी पड़ रही है, जाओ इन लोगों को घर छोड़ के आओ। चलो सुनो, पंडा भाई के घर जाकर उनसे माफी मांगना। एक फोन करके तुम लोगों को अपनी जूती के पास बुलवा लिया, दैट इज पंडा भैया। ए, मेरे पाँव पकड़ कर तुम लोग माफी मांग लो। हाँ, मेरे पाँव पकड़ोगे तो तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इधर आ, पाँव पड़े बिना चले जा रहा है, भाई ने क्या बोला सुना नहीं? ए, इधर आ बे।
जाओ। मार डालो इसको, बच के ना जाए। हेलो जेटीवी। हाँ जी का रिपोर्टर हूँ, बोलिए। हम राम लक्ष्मण बात कर रहे हैं। हाँ क्या बात है, बोलिए। हमारे पीछे गुंडे पड़े, आप फॉरन कबूतर खाना चले आइए। अरे तो पुलिस स्टेशन फोन कीजिए। हम लोग पुलिस ही हैं। इमरजेंसी है, चलो। टुकड़े 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 कर दूंगा, आई पे रहा। मेरे परमिशन के बिना तुम लोगों ने गोली क्यों चलाई? परमिशन काहे की परमिशन रे? जे जानबूझकर प्लान करके मीडिया को बुलाकर मारा है, जे जो उखाड़ा उखाड़ ले। तुम लोग पुलिस के गुंडे हो। ए, तुम जैसे लोगों के लिए गुंडे। थैंक यू, थैंक यू। तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। इन लोगों पर क्यों चिल्ला रहे हैं? इन लोगों को मारने के लिए गुंडे लोग आए थे, इसलिए इन लोगों ने उनको मारा। किसने मारा मेरे भाई को? हम लोगों ने। किसी को मारने का हक तुम्हें किसने दिया? आप लोगों ने। गुनाह करने वालों को मारना पुलिस वालों का अहम कर्तव्य है। तो हम किस लिए हैं? हम जैसे लोगों के बीच में टांग अड़ाने के लिए। शूट करने का ऑर्डर किसने दिया? गुंडा किसने बनाया? आप लोगों ने। किसी को मारने का हक तुम्हें किसने दिया?
दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस में सब लोगों के सामने एक बेबस लड़की को मार दिया पांडा ने, क्या किया तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट ने? और अभी एक गुंडे को मार दिया तो इतने सारे सवाल उठ रहे, क्या अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट चूड़ियां पहन रखी थी? दिस इज टू मच सर, रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने वालों से बात करना पागलपन है। कौन रूल रेगुलेशन बनाया? तुम लोग खुद लिखलोगे तो बन जाएगा। गुंडे लोगों के साथ तुम लोग मिलजुल कर रहते हो। हम अगर अपनी जान से खेल कर उन लोगों को अरेस्ट करते हैं तो एक फोन कर कह दो कि छोड़ दो, फिर क्यों अरेस्ट करें? बताओ। नॉनसेंस, हमारे इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं? यस, हम लक्ष्मण ही लॉ एंड ऑर्डर है। हमारे ये हाथ कहते हैं कि गुंडों के जबान खींच लो, जो भी लॉ तोड़ेगा उसके हाथ तोड़ देंगे हम लोग। हमारी दोनों आंखें चीतों की तरह है। अच्छा बुरा हम एक मिनट में बता दे। तो ठीक है, तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है। आप लोग कौन होते हो सस्पेंड करने वाले? मेहनत करके जॉब इसलिए हासिल नहीं की कि जब कहो चले जाए और जब कहो वापस आ जाए? लंका गुंडों से मिलती है सरकार से। इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगे। ए, तुम गुंडे लोगों को सपोर्ट क्यों करते हो? पता है क्यों? तुम्हारे जूते साफ करने वाला, तुम्हारे सब्जी लाने वाला, तुम्हारी बीवी के कपड़े धोए तो तुम लोग समाज कहते हो। क्या इसलिए दी है सरकार ने हमें ये खादी वर्दी? क्या बेहूदगी है? ये मच्छी मार्केट नहीं है, कमिश्नर का कॉन्फ्रेंस रूम है। प्लीज सिट डाउन। राम लक्ष्मण, तुम लोग हद पार करके बात कर रहे हो। तो क्या करेंगे सर? अच्छा, सिर्फ तुम ही तो नहीं ईमानदार हो और बाकी लोग बेईमान है, यही कहना चाहते हो? हमने ऐसा नहीं कहा सर, पर गुंडों के साथ मिलकर कानून तोड़ रहा है, यहाँ पर ही है, बताओ सर। What is this? यहाँ पर क्या हो रहा है? पांडा को फोन पर सारी बातें बता रहा है। देखो सर कितना बड़ा क्राइम है। ए पांडा, छुप छुप कर बातें सुनना मर्दांगी नहीं, अगर मर्द की औलाद है तो सामने आ, फैसला बराबर का होगा। ए पांडा, अभी मरा नहीं, तुमने मेरे भाई को मारा सर। पांडा किस तरह से धमकी दे रहा है? सुनिए, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, मैं बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। अब क्या बोलेंगे सर? वेरी गुड, तुम लोगों की हिम्मत, तुम लोगों का फायर मुझे बहुत पसंद आया। तुम लोग रामनाथ के बेटे हो, प्रूव कर दिया। आज से मेरा फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। गो अहेड। थैंक्स सर। वेरी गुड। थैंक यू। सिग्नल नहीं दिख रहा क्या? उतरो। अरे बड़े बात है, बड़े काहे ले लो तू जनता का सामना। उतरो चलना, किसी और को देना, तेरी बड़ी निकल रहा हूँ, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? कह रहा हूँ सुनते क्यों नहीं? अरे छोड़ यार, चलो जल्दी, पैसे का हवलदार बड़ी बात कर रहा है, क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, तो काट डालूंगा। और क्या औलाद है तू, औलाद का सहारा लेता है? ये आगे मत बढ़ना, ये ना काट डालूंगा। ये कुछ मत करना, काट डालूंगा इसको। ए, ए, छोड़ दे उसे, ये आगे मत बढ़ना, ताली चलाक नीचे। ये दोनों भाई मुझे किसी भी हाल
में चाहिए, मुझे किसी भी हाल में चाहिए, और उन दोनों को इतनी भयानक मौत होनी चाहिए कि कोई भी ऑफिसर पंडा की तरफ आग उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन है, उनके घर में माँ बाप भाई बहन जो भी है, मार डालो उनको, समझ गए? भाई उनका कोई नहीं है भाई। कहाँ रहते वो? कोई घर वर नहीं है, वो पुलिस स्टेशन में ही रहते हैं, ड्यूटी के अलावा और कुछ पता नहीं। और उन दोनों को मारना मेरी ड्यूटी, पंडा पुलिस के लिए गुंडा। मैडम आपने फोन किया था कोई प्रॉब्लम है कहकर? हाँ मैंने किया था, वरना आप लोग कहाँ आने वाले? ओह हम लोग तो बस डर ही गए थे। मैडम ड्यूटी के समय ऐसा फोन मत कीजिए, विषय क्या है बताइए। मेरी बहन को मारने वालों को आप लोगों ने मारा इसलिए थैंक्स कहना चाहती थी, उन बदमाशों को आप लोगों ने सरेआम मेरी आंखों के सामने मारा, मुझे बहुत खुशी हुई। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ? हैप्पी डे, आज खुश रहना चाहिए, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हम अपने जन्मदिन के बारे में नहीं जानते, आप कैसे जानती हैं? बर्थडे। पुलिस वालों के बारे में मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो ए हेलो, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आज ही तुम लोगों का जन्मदिन है ना, आज ही तुम्हारा मरण दिन होगा, पंडा की तरफ से मुबारक हो, तुम लोग खुशकिस्मत हो, पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम पैदा हुआ उसी दिन मरोगे, मरोगे। ए, ए, पंडा। Oh no! Hey! 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 अरे अरे क्या है? क्या है? ये केक मैंने ऑर्डर किया है। ये देखो। Thank you, madam. आप जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की इस सोसाइटी को बहुत जरूरत है, जो अपनी जान पर खेलकर लॉ एंड ऑर्डर कायम करें। ओके, केक कट कीजिए। वैसे भी आप दोनों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, समझ गए? आप जैसे लोग हमारे बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स। कम ऑन। ए राम लक्ष्मण, कहाँ हो तुम लोग? रे 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 पंडा, रे पंडा। हाँ मैं पंडा बोल रहा हूँ, पुलिस वालों के लिए गुंडा। बैठिए बैठिए, मरने के लिए तैयार हो जाओ, आजा। नहीं पंडा, पंडा तेरा खेल खत्म। क्यों, लग गया ना झटका? अगर एक बाप का पैदा है डर लग रहा तो पता कहाँ पर है तू? मेरी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही है, दम हो तो वहाँ आ जा। हिम्मत है तो वहीं ठहरना, हम दोनों आ रहे हैं। आजा आजा बच्चे, आजा आजा। हिम्मत है तो उधर ही रुक। Thank you.
लेके जा रहे हो? ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं सर। वो ऑलरेडी मर चुके हैं, उन्हें मुर्दा घर में ले जाकर डाल दो। राम लक्ष्मण कहाँ हैं? मर गए और मुर्दा घर में हैं। मर गए? लक्ष्मण मर गए क्या पंडा? वो दोनों दो रूप एक जान है, एक जान। अब आप ही बताइए, जो उन लोगों ने किया वो क्या गलत किया? गलत किया क्या उन लोगों ने? और उन लोगों का मकसद पूरा करने के लिए मैंने उनका भरपूर साथ दिया, इसमें मेरी क्या गलती? well said, मिस मधु। Let's off to राम लक्ष्मण। हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैडम बस आप लोगों को जो पूछना था आप लोगों ने पूछ लिया। प्लीज देखिए मैडम, पुलिस की नजर में राम लक्ष्मण दोषी है, तो अब उसे लेकर हाईकमान के पास जाना पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बच के और मेरे आदमियों को मारा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। निकाल, कहां है वो डेंजर आदमी? कहां है वो डेंजर आदमी? इन सबकी वजह वो डॉक्टर है। अरे उससे उसी दिन मार देता तो ये नौबत ही नहीं आती। उसे भी मारना होगा, उसे भी मारूंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। पंडा, अब तेरे बारे में पूरे स्टेट को मालूम हो गया है, अब मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा बेटा, समझा? ऑफिसर पहले इसको शूट करो। लेट पता चला ना, तुझे मारने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया। जब भी उसे डाल देता तो आज नौबत ही नहीं आती। स्पेशल ऑफिसर को भेजकर मैंने ही ये सब कुछ तुमसे पता लगवाया। चिल्ला और जोर से चिल्ला ताकि उस डेंजर मैन को तेरी चीखें सुनाई दे सके। हाँ
बुला बुला उसको। और तुमने मेरे भाइयों को मरवाती रही, अब तेरी रक्षा कौन करेगा? वो डेंजर में तुझे आके बचाएगा। आएगा, वो जरूर आएगा। बुला हाँ। आएगा, बुला उसको, ले फोन ले। बुलाओ उसको, बुलाओ। Yeah!
छोड़ना नहीं इसको, मार डालो, मार डालो। Yeah.